लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आपसे कहा था कि हम इसमें जो वाइपर है उससे उसको सिर्फ आपको दिखाएंगे। दिखाने का मकसद ये है, एक इसके और स्टैट्स हैं जो शायद हम समझ नहीं पाते। दुनिया में ये सांप बहुत कम पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बेतहाशा मिलता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यही सांप पाए जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में, और गल्फ में भी ये है। ये वही सांप है जिसके लिए स्टीव अर्विन ने क्या कहा था? वो ये कहता था कि मेरा ख्वाब है कि इस सांप को मैं उठाकर फिल्मिंग करूं, पकड़ के। जिसका नॉर्मली इसका मुंह बहुत छोटा है और फैंग लंबे हैं, अगर आप इसका मुंह पकड़ने की कोशिश करें तो लोअर जॉ से भी फैंग मार देता है। और इसका 5 मिलीग्राम अगर वेनम एंटर हो आपकी बॉडी में तो 20 मिनट में मर सकते हैं, और 1 ग्राम जो है वो 200 आदमी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। कोबरा सांप जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। कोबरा से 5 टाइम ज़्यादा टॉक्सिक इसका वेनम है। Once again, please do not try this at home. इसको आप घर पे ट्राई मत कीजिएगा। ये एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। मैं भी पीछे खड़ा हूँगा, यहाँ आपके सामने हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी डू दिस? कर सकते हैं? यू हैव टू प्रॉमिस, डू नॉट क्लैप, म्यूजिक शट। नॉर्मली जब आप सांप को पकड़ने जाते हैं तो आप खुशबू नहीं लगाते हैं। सांप के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। नॉर्मली हमने देखा है कि ब्लैक मांबा के बारे में कहा जाता है कि एग्रेसिव है। दुनिया का सबसे एग्रेसिव सांप भी यही है। कर ले पक्का? लेकिन ये छोटा है क्योंकि बेला तुम देते हो, शायद इस वक्त वो इतना बिहेव ना करे। तुम पकड़ोगे बेला? ओके, 1 2 3 कमांडर साहब आइए। बहुत छोटा सांप है लेकिन वाह, ये इतना सा सांप जो है ये आप देखिए, ये साइड वाइंडिंग करता हमने देखा होगा। इज दिस रसल वाइपर? दिस इज सॉ स्केल वाइपर। सॉ स्केल वाइपर। और इस ये क्योंकि इसको मैं खुराक जरा कम दी है, बहुत एग्रेसिव होता है, लेकिन इस वक्त भी जो इसमें वेनम है वो तकरीबन हम सबको मारने के लिए काफी है। वाह, अच्छा, इसने जो फन उठाया हुआ है तो इज एक्चुअली गेटिंग रेडी। फिलहाल इसको कन्फ्यूजन में है लाइट की वजह से। ओके okay. और मैंने इसको कुछ दिनों से खुराक ज़रा कम दी है ताकि एग्रेसिव ना हो, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि इसको हम एक दफ़ा उठा सकें। वैसे मैं इसके ऊपर फिल्मिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके okay. मैंने इसको उठाया हुआ है, लेकिन मैं खुद भी अपने आप को एक बात याद रखिएगा, वंस अगैन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। प्लीज़ डू नॉट Do not try this at home. दुनिया के जो दूसरे सांप हैं वो मुंह से आवाज निकालते हैं, जिसे हम हिजिंग बोलते हैं। ये मुंह की आवाज बंद कर देता है, लेकिन ये इसकी आवाज स्केल से आती है। ये बहुत छोटा है, अभी बच्चा है। अगर बड़ा हो तो मैं यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता। इसके बारे में इतने मिथ हैं इस मुल्क में, कहते हैं कि ये उड़ के माथे पे मारता है, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है माथे पे नहीं मारता, सिर्फ वो यहाँ तक बैठ आके ये अटैक कर सकता है जहाँ मैं इस वक्त हूँ। रियली? लेकिन इसको होपफुली ये अभी इतना एग्रेसिव नहीं होगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में ये जो सांप है माशाल्लाह ये इतना पाया जाता है कि वाओ, आप देख रहे हैं कि इसकी पावर। अगर ये इस वक्त बाइट करता है तो मेरे बचने के चांसेस नहीं है, लेकिन अब इसी सांप को लुंडी का नाम से पहचाना जाता है बहुत सिंध में। नॉर्मली उर्दू में लुंडी कहते हैं, सिंध में कपर है इसका नाम। कपर और कोड़ियों वाला सांप भी कहते हैं, जलेबी सांप भी कहते हैं। इंग्लिश में सॉ स्केल वाइपर है। ये एक छोटा बच्चा है, क्योंकि बड़ा सांप मैं भी उसको कोशिश नहीं करता उसको उठाने की। आई थिंक इनको वाइपर साहब को अंदर रख दें।
No. गले में पहन के देखें, खुश से वो। ये इसकी साइड वाइंडिंग है, रेत पे चलता है ऐसे। माय गॉड, ओ यस, मुझे भी यार, ये स्लिपरी जगह है ना इनफैक्ट। तो आई थिंक वो यस, इसके लिए वो अटैक भी नहीं कर पाएगा। अटैक करने के लिए इसको ग्राउंड होल करनी पड़ती है, तो ये स्लिपरी जगह है। ओके, दैट्स व्हाई ही कांट। ओके ओके, ये हमारे मुल्क का असासा है, एसेट है। और इस सांप का जो वेनम है, अगर वो एक ग्लास भरा हुआ हो तो उसकी तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 1.5 करोड़ रुपया जो है वो प्राइस है। 1.5 करोड़ रुपए? जी जी। चलो यार, मैं सांप पकड़ने जा रहा हूँ। मतलब हेलो, वाओ वाओ, दिस इज ग्रेट। आपने कहा I'm just kidding, nahi kuch bhi nahi hua, kuch bhi nahi hua. But seriously, reason why I did this was because please do not try this at home. Please do not try this at home. I want to thank you, sir, for coming. Bahut bahut shukriya aapka. Tum jaan tum aaye. You're going to come again. Thank you so much. Bahut bahut shukriya. Sir, you're going to come again. And Raja, thank you so much. Bahut bahut shukriya. Commander sahab, you'll be coming with a crocodile tomorrow. Okay. Commander sahab ka crocodile hai. Kal magarmach leke aayenge ye. अच्छा, मैं वो किस साइज का मगरमच्छ? मेरे साइज का ले आइए। ओके, मेरे साइज का ले आएंगे? नहीं, लेकिन एग्रेसिव है बहुत। कोई बात नहीं, आई थिंक अगर अराउंड 3 फीट इज ओके। हाँ, 3 फीट इज ओके। 3 फीट का मगरमच्छ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं जल्दी जल्दी आपको देना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम लोग जरा मेरी मदद करो। नीलम आओ यहाँ, तुम जिसको चाहती हो जाके दे दो। गो, किसी को भी। 1 2 हाँ, किसी को भी। गो 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 गो। Everyone get up, everyone get up. Aye, aye. Neelam,